हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अड्डा 247। माई सेल्फ हर्षप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे वो सब इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, वो सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके पेपर में पूछे जाने वाली हैं। यानी कि 50% पेपर यहाँ से कन्फर्म आने वाला है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, और अगर आप इस चैनल के लिए न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो चलिए बेटा, अगर हम बात करें आपकी डेट शीट की, जैसे कि वी ऑलरेडी नो दैट कि आपका डेट शीट जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है, और जितने भी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 15 और 16 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें 15 तारीख को आपके बहुत ही मेजर सब्जेक्ट्स के पेपर हैं, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इंग्लिश हो गया, जीटी हो गया। तो जिन बच्चों ने ये चारों पेपर्स भरे हैं तो उनके लिए 15 मई इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर डे। चार पेपर एक ही दिन में। एंड अगर हम 16 मई की बात करें, बिल्कुल भी आपको रेस्ट नहीं दिया गया है साइंस वालों को। 16 तारीख को आपके दो मेजर सब्जेक्ट्स यानी कि फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स का आपका जो है पेपर रखा गया है। तो 2 दिन में आपकी कहानी बेटा खत्म होने वाली है। अभी अगर इस मोमेंट तक भी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सो तो भी आप आज से पढ़कर भी सिलेक्शन पा सकते हैं। और अगर आप मेरे बताए गए इतने कंटेंट को कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि आपके 50% पेपर जो है वो यहीं से आने वाला है। सो मैम, ऐसा क्या जादू लेकर आए हो आप, ऐसा क्या मैम हमें बताने वाले हो? तो लेट्स लुक फॉरवर्ड बेटा। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे कि मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था कि कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं बेटा। जैसे कि अगर हम बात करें कि साइंस डोमेन वालों के लिए हमारे जितने भी पेपर्स हैं ना वो ऑफलाइन ही होने वाले हैं। जितने भी पेपर्स हैं वो ऑफलाइन चलने वाले हैं। अगर मैं मेजरली बात कर रही हूँ, इफ़ आई एम मेजरली टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जनरल टेस्ट एंड मैथमेटिक्स, ये सब ऑफलाइन है। ऑनलाइन में सिर्फ अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस था तो ऑनलाइन आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर होने वाला है। तो बेटा स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है सब्जेक्ट वाइज वो मैंने आपके लिए बना दी है। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप इसको फॉलो कर रहे हैं। अगर हम इंग्लिश, जीटी एंड हिंदी की बात करें, कुछ बच्चों के पास हिंदी भी होगा, है ना, कुछ बच्चों के पास हिंदी भी होगा। तो बेटा इंग्लिश, जीटी एंड हिंदी के लिए जो मेजर चीज़ आपको फॉलो करनी है, जहाँ से 50% आपको पेपर देखने को मिलने वाला है, द फर्स्ट थिंग इज कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने 2022 और 2023 के। ऑल सेट्स आर मस्ट। इंग्लिश जीटी के लिए बेटा ऑल सेट्स आर मस्ट। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो आपको पूरे के पूरे 2022 और 23 में जितने भी शिफ्ट्स में पेपर हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर डिफरेंट शिफ्ट्स में पेपर होता था। अब आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे आपको पता है कि आपके 15 और 16 तारीख को पेपर जो है वो खत्म हो जाना है साइंस स्टूडेंट्स का, है ना। तो ये नहीं है कि कई बच्चों का 15 तारीख को इंग्लिश हो रहा है, कई बच्चों का 18 तारीख को इंग्लिश हो रहा है, तो वहाँ पर वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी। वो इस बार नहीं होने वाला बेटा। सो 2 दिन की कहानी है। इस 2 दिन के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी है, बिल्कुल भी कतराना नहीं है, पीछे नहीं होना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें इंग्लिश, जीटी एंड हिंदी के लिए बेटा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022-23 के ऑल सेट्स लगाने मस्ट हैं। साथ ही साथ अगर आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इतना डिटेल में पढ़ने नहीं बैठना। जितने लॉज हैं एंड एवरीथिंग, है ना, रूल्स हैं, इन सबको डिटेल में पढ़ने नहीं बैठना। जीटी में अगर हम बात करें, जनरल टेस्ट में बात करें, आपने रीजनिंग के कॉन्सेप्ट जो है वो सीख लिए होंगे, है ना, आपने क्वांट में कॉन्सेप्ट सीख लिए होंगे। अब आप उसके ऊपर क्वेश्चन लगाइए। जितने ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन लगाएंगे वही आपके चांसेस जो है बेटा वो सिलेक्शन के बढ़ाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट इज मस्ट। 45 मिनट्स के मॉक टेस्ट आप इंग्लिश के देंगे और ऑफलाइन मॉक टेस्ट देंगे बेटा। इसमें आपको ओएमआर शीट में भरने पड़ेंगे गोले। 45 मिनट में आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, आपको गोले भी भरने हैं। ये प्रैक्टिस अगर आप अभी नहीं करेंगे तो पेपर में आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि नंबर मिलेंगे। नहीं मिलेंगे बेटा नंबर, मैं बता रही हूँ। वहाँ पे प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, आसपास जितने भी बच्चे बैठे हैं वो भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर फील होता है वहाँ पे, ठीक है। और अगर हम जीटी की बात करें तो जीटी में 60 मिनट्स बेटा आपको देने हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करने हैं। इसमें भी एटलीस्ट आपको इंग्लिश और जीटी, है ना, अगर आप इंडिविजुअल लगा सकते हैं तो कम से कम 6 से 8 मॉक टेस्ट लगाइए, जरूरी है बेटा। उसके बाद अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मस्ट हैं। 2022-23 के आपको एटलीस्ट 5 बेटा जो है लगाने ही पड़ेंगे आपको। ईदर ईच ईयर की अगर हम बात करें 2022 में भी और 2023 में भी एटलीस्ट 5-5 सेट्स आप लगाइए। अगर आप एम प्रैक्टिस बैच में अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं तो आई डोंट नो बेटा आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, बिकॉज एम प्रैक्टिस बैच इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सोल्यूशन। दिस इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। येस, यू हर्ड इट राइट। कल से स्टार्ट होने वाला है। सारे के सारे सब्जेक्ट्स में बेटा हम कंप्लीट चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। इसमें मैं आपको एक बार बता देती हूँ हाउ यू कैन एनरोल इन दिस। जब आप ऑल कोर्सेज में जाते हैं बेटा तो आप स्कूल K-12 कैटेगरी पे जाइएगा। जब आप यहाँ पे सबसे पहला कोर्स देखेंगे, दिस इज द एम प्रैक्टिस बैच, दिस इज न्यूली लॉन्च्ड, इस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं बेटा आपके पास बाय नाउ का ऑप्शन आता है, यहाँ पे यू हैव अ बाय नाउ ऑप्शन, यू हैव अ बाय नाउ ऑप्शन है, जस्ट आप बाय नाउ पे बेटा क्लिक कीजिए। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे सो आपके पास यहाँ पे कोड पूछा जाएगा आपको फीड करने के लिए। बेटा वहाँ पे आपको कोड डालना है Y549 लगा के आप इसको कर दीजिए अप्लाई। बेटा आप जैसे ही अप्लाई कर रहे हैं यू कैन सी दैट इसका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो चुका है, इट इज़ ऑलमोस्ट 2343, जिसमें आपका जितने भी मैंने ऊपर वाले प्रॉब्लम्स बताए उस चीज़ का भी हल निकलेगा बेटा। यानी कि इस प्राइस में आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको PYP की बुक्स भी मिलने वाली हैं, है ना, आपको मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, और आपको लाइव क्लासेस भी मिलने वाली हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी द सोल्यूशन ऑफ ऑल द थिंग्स, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके लिए बेटा ये जो स्ट्रैटेजी मैं बता रही हूँ आपको, दिस इज कॉमन फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इसमें आपको ना NCERT के बैक एक्सरसाइजेज लगाने हैं, जिसमें अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में सारे क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं, आपको जस्ट गो थ्रू करना है और जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो जस्ट आपको गो थ्रू करनी है। केमिस्ट्री में बेटा अगर आप एग्जांपलर्स कर सकते हैं तो प्लीज उसको सॉल्व कर लीजिए, दैट आर इंपॉर्टेंट। और ऑल्टरनेट डेज पे आप OMR शीट में बेटा प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो प्रीवियस ईयर पेपर्स मस्ट है, इसमें NCERT रीडिंग मस्ट रहती है फॉर द केस ऑफ बायोलॉजी। एंड अगर मॉक टेस्ट की बात करें तो ऑफलाइन ही देना है, मॉक टेस्ट ऑफलाइन ही देना है। अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाएंगे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर केस आपके पास बेटा जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप ऑनलाइन पे उसका कुछ फायदा नहीं है, पेपर ऑफलाइन होने वाला है। सो इसी के चलते बेटा अगर आप ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो 50% पेपर की क्या मैं 75% तक की गारंटी देती हूँ बेटा आपको यहीं से मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ बेटा आपके पास इफ़ यू फील दैट कि मैम हमें बैच नहीं लेना है, हमें सिर्फ कंटेंट चाहिए मैम, हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, तो उससे बढ़िया तो बेटा बात ही नहीं कोई है आपके लिए। यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करेंगे ना तो प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज पर बेटा हाइब्रिड टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों है इसमें इंक्लूडेड। इसमें बेटा आपको 50% तक का ऑफ मिल रहा है। अड्डा 24/7 ने ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया बेटा कि आपको 50% तक का ऑफ मिल रहा है इस टेस्ट सीरीज पर। तो इसकी अगर मैं कॉस्टिंग बताऊँ ना तुम्हें, अगर आप इस पे बाय नाउ पे क्लिक करते हैं और आप यहाँ पे कूपन कोड लगाते हैं, आप देखो 50% ऑफ चाहिए तो यहाँ पे जो कोड है वो वैसा ही लगाना है बेटा आपको, जो आपको 50% तक ऑफ दिलवा सके। यानी कि अगर आप AK50 अप्लाई करते हैं, हर्षप्रीत कौर का AK50 अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसका जो प्राइस है आप देख सकते हैं बेटा, द प्राइस इज रिड्यूस टू 1399 ओनली। इसमें आपके सारे हल निकल जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको PYP की बुक्स मिल जाएंगी। एंड इसमें इनरोल करना है तो अभी कर लो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। 3 से 4 दिन लगेंगे आपके पास ये चीज़ें पहुँचने में, सो फिर बाद में आपको ऐसा पछतावा ना हो कि हम पहले कर लेते। सो बेटा दिस इज द राइट टाइम नाउ, गो फॉर इट एंड एनरोल इन दिस। एंड इसी के साथ साथ अगर आप आ जाते हैं हमारे इस बैच में, है ना, अगर आपको मॉक टेस्ट बाय करना है तो आप ये वाले चीज़ के साथ जा सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको प्रैक्टिस भी लगाना है, इफ़ यू फील कि नहीं मैम हमें साथ साथ प्रैक्टिस भी लगाना है, सो बेटा उसके लिए यू हैव एन अपॉर्चुनिटी दैट आप अभी भी अगर एम प्रैक्टिस बैच में चाहते हैं तो ये हाइब्रिड टेस्ट बिल्कुल फ्री ही मिलेगा इसमें, ठीक है। सो बेटा गो फॉर इट विदाउट एनी डिले, यूज द कोड Y549 फॉर एनरोलिंग इन द बैच। एंड अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो उस पर 50% के ऑफ के लिए आप यूज कीजिए AK50। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। बाय बाय।